हेलो एवरीवन, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें स्टार्ट अपना ओवर हो गया था कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, तरंग समूह की अवधारणा या तरंग पैकेट की अवधारणा। तो वो क्या था कि एक जो वेव होती है, एक पार्टिकल होता है मैटर पार्टिकल, वो मैटर पार्टिकल जब मूविंग स्टेट में होगा, तो क्या होगा, उससे एसोसिएटेड एक ग्रुप ऑफ वेव होती है। उससे एसोसिएटेड क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ वेव। और उस ग्रुप ऑफ वेव होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, वेव पैकेट कहते हैं। तो जहाँ पर वेव पैकेट की बात हो गई तो वहाँ पर सीधा सा मतलब है कि वेव फंक्शन होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं वेव फंक्शन, वेव पैकेट की बात। जहाँ पर वेव वर्ड आ गया वहाँ पर वेव फंक्शन भी आएगा। क्या आएगा, वेव फंक्शन भी आएगा। वो वेव फंक्शन क्या होता है, साई इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के आर मान लो, या फिर ए कोस ओमेगा टी माइनस के आर मान लो, या फिर क्या माने, एक्सपोनेंशियल मान लो ए एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के आर, या फिर ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के आर। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर इन सब का एक सुपरपोजिशन से जो फंक्शन प्राप्त होगा वो भी हो सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पर वेव की बात होगी वहाँ पर वेव फंक्शन की बात होगी, और जहाँ पर वेव फंक्शन की बात होगी तो वहाँ पर उसके सॉल्यूशन की भी बात होगी। अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन ऑब्टेन नहीं हुई, जिसके द्वारा इन वेव फंक्शन का सॉल्यूशन किया जा सके। एक आती थी फर्स्ट ईयर में थी, क्या थी वो, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल वन अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर, ऐसी कुछ इक्वेशन आपकी फर्स्ट ईयर में थी, वेव इक्वेशन तरंग समीकरण याद हो तो। लेकिन वो केवल एक सिंगल वेव के लिए थी, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं है पार्टिकल से, यहाँ पर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक ग्रुप ऑफ वेव है। तो जब जहाँ पर ग्रुप ऑफ वेव की बात होती है उस कंडीशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो उस ग्रुप ऑफ वेव जो हो गया, जो वेव पैकेट हो गया, उसकी जो वेव इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव, उस वेव इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने इसका डेरिवेशन दिया था, इरविन श्रोडिंगर इन ईयर 1926 में, 1926 में इरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने वेव का सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए, क्या दिया था, एक इक्वेशन दी थी जिसे क्या कहते हैं अपन, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, साथ ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यही है। तो टॉपिक लेते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, देखो भाई, सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं। एक कोई वेव है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स एक्स के अलोंग जा रही है। एक पार्टिकल मानेंगे, पार्टिकल को क्या मानेंगे, मूविंग स्टेट में मानेंगे। तो सबसे पहले जो डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था उसी का यूज करेंगे अपन। क्या था, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के सहचारी, एक तरंग होती है, यदि यह तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश यदि एम द्रव्यमान का कोई कण,
एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उसका संवेग, देखो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये लिख लेना, ईच मूविंग मैटर पार्टिकल, ये ऐसे लेना, ए वेव एसोसिएटेड विथ ए ईच मूविंग पार्टिकल, इफ ए मैटर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स मोमेंटम। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई पार्टिकल है, ये मूविंग कर रहा है और उससे एसोसिएटेड इस प्रकार की क्या होती है, एक वेव होती है, ऐसे ये बात कर रहा हूँ मैं। ये तो है उसकी तरंग और ये है कण, लिख लेना, ये तो है पार्टिकल और ये इसकी वेव, ऐसे कण रहेगा और इस कण के साथ साथ में वेव चलेगी भाई, ठीक है ना, ये लिख लेना ऐसे, ईच मूविंग पार्टिकल हैव ए एसोसिएटेड वेव एंड ए मैटर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स मोमेंटम। देखो एक फॉर्मूला आता है लेमडा इज इक्वल एच बाई पी, आता है कि लेमडा इज इक्वल एच बाई पी, तो पी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच बाई लेमडा। एक फॉर्मूला होता है, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये ये होता है एच कट और ये होता है के बराबर होता है 2π बाई लेमडा। ठीक है भाई, इक्वेशन 1, ठीक है। साथ में एक कॉन्सेप्ट भी आता है, वेव होगी तो वहां पर फोटोन होगा, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल एच न्यू, तो उसको भी लिखते हैं, तथा गतिशील, ऐसे लिखो, तथा तरंग की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ वेव ई इज इक्वल एच न्यू, इसको भी यही करें, 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ई इज इक्वल ये होता है एच केट और ये होता है ओमेगा, ये इक्वेशन 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। एक कण रहेगा, उसके साथ तरंग चलेगी, तरंग का मोमेंटम ये आएगा, ऊर्जा ये आएगा, क्योंकि तरंग में होता फोटोन, क्या होता फोटोन, और फोटोन की एनर्जी ये हो गई। यहां तक लिखो, यहां तक तो कोई खास बात नहीं है, इसको रब कर लेता हूं मैं। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लूं मैं, कोई भी एक इक्वेशन ले सकता हूं, माना एक्स एक्स के अनुदेश गतिशील तरंग का समीकरण साई एक्स टी, एम्पलीट्यूड मान ले ए, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है भाई तरंग समीकरण, साई एक्स टी इक्वल ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, यार प्लस भी हो सकता है, साइन कोस के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साइन कोस के फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ये फॉर्मेट लिया है, साई एक्स टी इक्वल ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ले लिया। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड मत दो, एक और दो का उपयोग कर दो भाई, समीकरण एक व दो का उपयोग करने पर साई एक्स टी इज इक्वल ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा की वैल्यू, यहां से देख लो ई अपॉन एच कैट, तो ई अपॉन एच कैट, साथ में क्या टी माइनस के, के की वैल्यू पी एक्स बाई एच कैट, के की वैल्यू पी एक्स बाई
एच केट और ये इंटू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है पूरा जुगाड़, पूरा पूरा पावर में है। अब क्या करेंगे, अब अपन करेंगे साई एक्स टी इज इक्वल ए एक्सपोनेंशियल माइनस, या ऐसे करूं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एच केट दोनों जगह कॉमन आ रहा है नीचे, तो नीचे कॉमन ले लूं, तो आयोटा अपॉन एच केट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो पी एक्स इंटू एक्स माइनस ई टी, माइनस ई टी, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड। तरंग समीकरण नहीं है, तरंग फलन है, तरंग फलन, तरंग फलन करना, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अब देखिए आगे, माना तरंग समीकरण वेव इक्वेशन, जो फर्स्ट टर्म में थी वो यूज लेंगे, क्योंकि जो हम जानते हैं ना, जो अपन जानते पहले उसके ऊपर अप्लाई करो, यदि वो ठीक ठाक बैठ रहा है तब तो सही है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या था, वो उसके ऊपर अप्लाई करते, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल, यहाँ पर जैसे मैं कोई गामा स्क्वायर मान लूँ, या ऐसे करो ना यार, डेल स्क्वायर साई स्टार लिख दो, गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, ये लो, और यहाँ पर एक्स एक्स के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट में पढ़ा था डेल स्क्वायर साई इज इक्वल वन अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वी स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यही तो किया मैंने, और ये एक्स एक्स के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, यही तो किया है, ये इक्वेशन है। यहाँ पर गामा को फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी में पी नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ई, और ओमेगा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वेव है उसमें अलग अलग मोमेंटम की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्ज हो सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्ज, तो उनके कारण फिर सुपरपोजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अध्यारोपण क्या होता है, डिफिकल्ट, तो उसको, उस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए इनका होना जरूरी नहीं है, इनको हटाई दो, आप इनको हटाई दो, तो अपन को एक ऐसी इक्वेशन ही लेनी है जिसमें ये कुछ जुगाड़ नहीं हो, मेरी बात समझ रहे हो क्या। जो वेव पैकेट होता है, उस वेव पैकेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेव, उस ग्रुप ऑफ वेव में अलग अलग क्या हो सकते हैं, संचरण नियतांक हो सकते हैं, अलग अलग क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो अलग अलग जब होगा तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। तो इस डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए ये जो गामा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अपन ऐसे लेंगे कि वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, इनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी इसकी क्या कर देंगे, अपन रिमूव कर देंगे। तो लिखता हूँ इस बात को, यहाँ तक लिख लो, ये कोई इक्वेशन फोर, यहाँ गामा का मान ओमेगा के पी आदि पर निर्भर नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तरंग पैकेट में अलग अलग पी ओमेगा के मानों के कारण, के मानों के कारण अध्यारोपण में कठिनाई प्राप्त होती है, कठिनाई प्राप्त होती है, अतः इसका मान एचकेट आयोटा आदि पर निर्भर हो सकता है, आदि पर निर्भर हो सकता है। हियर द वैल्यू ऑफ गामा, हियर द वैल्यू ऑफ गामा डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा के एंड पी, डज नॉट डिपेंड ऑन ओमेगा के एंड पी, बिकॉज
फोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी ओमेगा एंड के, फोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी ओमेगा एंड के ऑफ वेव्स, देर इज ए डिफिकल्टीज प्रोड्यूस, देर इज ए डिफिकल्टीज प्रोड्यूस इन सुपर पोजिशन, इन सुपर पोजिशन इन वेव पैकेट, सुपर पोजिशन इन वेव पैकेट. सो द वैल्यू ऑफ गामा मे बी डिपेंड ऑन एच केट एंड आयोटा ई टी सी, एच केट एंड आयोटा ई टी सी, इस प्रकार की क्वान्टिटी, यानी जो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी उनके ऊपर डिपेंड कर सकती है. ठीक है ना. अब देखो 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 समीकरण पहले जो ले रहे थे वो था, अब ये क्यों गलत है वो देखेंगे अपन. समीकरण तीन का उपयोग चार में करने पर, तीन का उपयोग चार में करने पर, करो चार में करो भाई, क्या हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा, देखो ए तो बाहर है कांस्टेंट है, पहले इसका होगा, डायरेक्ट कर दोगे इसको डायरेक्ट, चलो कर देते हैं भाई, ए को तो मैंने बाहर ले लिया, डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी. ठीक है, ये यहाँ पर गामा स्क्वायर है, साई की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ पर भी जो एम्पलीट्यूड है वो तो बाहर आ गया, और ये डेल स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर, अब क्या बच रहा है, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ये तो है ए से ए दोनों साइड कैंसिल, दोनों साइड ए से ए कैंसिल. अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल, एक्सपोनेंशियल का एच टी जाएगा दोनों बार, तो क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल, या इस ए को कैंसिल मत करो, ए को कैंसिल मत करो, बाद में काम आएगा ये वापस, एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, दोनों बार ये सेम टू सेम बार आएगा लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट, दो बार बार आएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट, दो बार बार आएगा ना, और ये ए पहले से था, ए से यहाँ पर क्या आएगा बार एक्स के रिस्पेक्ट में आयोटा पी एक्स बाई एच केट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखो गामा स्क्वायर तो पहले से है, ए यहाँ पर है, तो ये आयोटा पी एक्स बाई एच केट बाहर आएगा दो बार, और जो साथ में क्या चल रहा है यहाँ पर, साथ में ये एक्सपोनेंशियल का दोनों बार सेम टू सेम रहेगा, आयोटा ओवर एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ये लियो भाई. ठीक है ना. अब देखो चलो कैंसिल मान लो इसको, ये कैसे कैसे, ये ऐसे कैसे कैंसिल हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस, आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा ये ई स्क्वायर अपॉन एच केट स्क्वायर इज इक्वल आयोटा का स्क्वायर माइनस और माइनस दोनों साइड प्लस हो गया, ये गामा स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर बाई एच केट स्क्वायर. अब यहाँ से पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, देखो इसका एक इजी मेथड भी था, एक्चुअल बताऊं मैं इजी मेथड भी था, लेकिन उससे फिर उसमें ये डिराइव नहीं होता कि वो पहले वाला गलत कैसे था, ये डिराइव होता नहीं है. तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये एच केट स्क्वायर भी दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल ई स्क्वायर अपॉन पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि e बराबर क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम, तो यहां पर रख दो इसको, तो गामा स्क्वायर इज इक्वल पी एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एम स्क्वायर, और ये पी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, तो पी एक्स स्क्वायर बाई फोर एम स्क्वायर, यहां तक करो,
तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीएक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। अतः गामा इज इक्वल पीएक्स बाई टू एम, अतः गामा का मान पीएक्स पर निर्भर करता है। सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स डिपेंड ऑन पी एक्स, डिपेंड ऑन पी एक्स, जिससे आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध क्या था, पी एक्स नहीं होना चाहिए, आवश्यक प्रतिबंध पूर्ण नहीं होता। देयरफोर रिक्वायर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, रिक्वायर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, आवश्यक प्रतिबंध पूर्ण नहीं होता, ये लिख लिया तो इसका मतलब जो इक्वेशन फोर थी वो गलत हो गई। अतः अतः समीकरण चार असत्य है, इक्वेशन फोर इज रॉन्ग। अब माना नाउ लेट, अब क्या किया उसने, जो डेल फाई बाय डेल टी दो बार स्क्वायर था उसकी जगह उसने एक ही यूज में लिया, केवल एक ही यूज में, और यहां पर क्या कर दिया, गामा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये लो भाई। क्या किया उसने, टाइम का एक डिफरेंशियल कम कर दिया। अब ये मान के देखा उसने, अब क्या आता है इसका, भाई कहने का मतलब थी एक तो है वेव ऑफ ग्रुप एक है वेव, इसका मतलब सॉल्यूशन तो आसपास ही रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा उसके लिए उन्होंने एक ही को चेंज करके देखा। अब इसने टाइम का एक डिफरेंशियल कम किया, अब देखो क्या वैल्यू आती है, ये कहानी समझ में आ रही है आपके। सबसे पहले क्या लिखा, एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव ले ली, क्या ले ली वेव, उसमें मोमेंटम और एनर्जी क्या आई वो लिख दिया, वेव इक्वेशन लिख दी, और वेव इक्वेशन में वो मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, तो आपके पास ये आ गया। फिर जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था उसके ऊपर अप्लाई करके देखा भाई सही आता है या नहीं आता, तो देखने पर पता चला कि ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है, तो अब उसने नया कंसिडर किया है। अब इस कंसिडरिंग से क्या आता वो देखेंगे अपन, इससे क्या आता वो देखेंगे, उन्हें समीकरण, ये इसको समीकरण पांच है, तीन का उपयोग पांच में करने पर, अगेन यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन फाइव, में डायरेक्ट करूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे एक बार, तो क्या हो जाएगा देखो, ये तो एक बार तो बाहर आ जाएगा ऐसे कैसे, आयोटा बाई एच के एट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस आयोटा ई अपोन एच केट बाहर आएगा, माइनस आयोटा ई अपोन एच केट बाहर आ गया, ठीक है। दो बार करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आयोटा पी एक्स बाई एच केट दो बार बाहर आएगा, तो आयोटा पी एक्स बाई एच केट दो बार बाहर आएगा, और ये एच बच जाएगा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच केट, आयोटा बाई एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, तो माइनस आयोटा ई बाई एच केट, यहाँ पर क्या बन रहा भाई, आयोटा पी एक्स स्क्वायर बाई, और ये गामा स्क्वायर भी है साथ में, साथ में गामा स्क्वायर भी है, अपोन एच केट का होल स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर। अब क्या आ रही है, माइनस आयोटा ई बाई एच केट इज इक्वल आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो ये पी एक्स स्क्वायर, ये माइनस अपोन एच केट स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर। अब क्या वैल्यू आएगी इससे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो एक एच केट यहां से कैंसिल हो गया, तो गामा स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, आयोटा ई एच केट बाई पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, और p बराबर क्या था, एच केट के, ये तो फिर डिफिकल्टी हो गई भाई, ऐसा कुछ इसका आंसर आता है भाई, हाँ हो गया ना, अरे कुछ दिक्कत नहीं, हो गया हो गया हो गया, गामा स्क्वायर इज इक्वल आयोटा एच केट बाई पी एक्स स्क्वायर है ना, ई की वैल्यू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम, ये कैंसिल,
तो आयोटा एच केट बाई टू एम, ठीक है। नहीं है इसमें के भी नहीं है, पी भी नहीं है, ओमेगा भी नहीं है, जो कि आवश्यक शर्त, आवश्यक प्रतिबंध को पूर्ण करता है। विथ सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड कंडीशन, विथ सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है, कर रहा पूर्ण, लिख लिया ना इसको। देखो भाई आगे, अब ये वैल्यू जो आपके पास में इक्वेशन फाइव थी वहां पर रख दो, यह मान समीकरण पांच में रखने पर, पांच में रखने पर क्या हो जाएगा, डेल साई ओवर डेल टी, यही था इजिकल गामा स्क्वायर था, वहां पर क्या आ गया आयोटा एच केट बाई टू एम आ गया, और यहां पर क्या था डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, यही है ना, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, क्या है ये श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर देखो ये इक्वेशन कौन सी है, शायद सिक्स इक्वेशन हो गई, क्या है ये सिक्स इक्वेशन। अब देखो आगे, समीकरण तीन से, समीकरण तीन से क्या आ रहा है, डेल साई बाई डेल टी कर दूं मैं, डेल साई बाई डेल टी, डेल टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल क्या आएगा, वो आएगा ए एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच कैट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, और यहां पर माइनस आयोटा ई अपॉन एच कैट बाहर आ गया, यही आ रहा ना, यही आ रहा है। तो डेल बाई डेल टी साई एक्स टी इज इक्वल, यहां पर देखो ये वापस क्या बन गया, साई बन गया क्या, माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट, और ये साई एक्स टी बन गया भाई वापस, समझ में आ रहा है ये। समीकरण तीन का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया, और नहीं डिफरेंशियल किया तो आप करके देख लो, ये छोटी मोटी बात है ये, ठीक है ना, और ये वापस क्या बन जाएगा साई एक्स टी, दोनों साइड साई एक्स टी को उठाओ, अतः संकारक रूप सो ऑपरेटर फॉर्म, ऑपरेटर फॉर्म क्या बच जाएगा, साई एक्स टी को यहाँ से हटा दो, साई एक्स टी को यहाँ से हटा दो, तो डेल बाई डेल टी इज इक्वल माइनस आयोटा ई बाई एच केट बच रहा है, माइनस आयोटा ई बाई एच केट बच रहा है भाई। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो डेल बाई डेल टी की वैल्यू आ गई, याद रख लेना इसको, तो ई इज इक्वल माइनस E की वैल्यू एच केट को इधर मल्टीप्लाई, आयोटा के नीचे मल्टीप्लाई, माइनस एच केट ओवर आयोटा, और ये डेल बाई डेल टी, आयोटा जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, E इज इक्वल आयोटा एच केट डेल बाई डेल टी, आयोटा एच केट डेल बाई डेल टी, ठीक है। आगे देखो, पुनः समीकरण तीन से, अब मैं क्या करूंगा इसका दो बार डिफरेंशियल करूंगा, क्या करूंगा इसका दो बार डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये बताओ भाई, एक्सपोनेंशियल का एच डीज x के रिस्पेक्ट में करूंगा, आयोटा पी एक्स अपॉन एच केट दो बार बाहर आएगा, तो आयोटा पी एक्स बाई एच केट दो बार बाहर आया ना, अभी क्या बच रहा है a एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच केट पी एक्स एक्स माइनस ई टी, यही आ रहा है, और ये वैल्यू क्या है वापस साई एक्स टी, तो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी इज इक्वल आयोटा का स्क्वायर माइनस, या ऐसे कर लो आयोटा पी एक्स बाई एच के एट का होल स्क्वायर, और ये वापस साई एक्स टी, साई एक्स टी को हटाओ दोनों साइड से, ऑपरेटर फॉर्म क्या बच जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस, और ये पी एक्स स्क्वायर ओवर एच के एट स्क्वायर, तो यहाँ से पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस एच केट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये लो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई,
पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब देखो पुनः समीकरण 6 से डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल आयोटा एच केट बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। डेल बाई डेल टी की वैल्यू क्या आई थी, डेल बाई डेल टी की वैल्यू भाई कहने का मतलब ये उस फॉर्मेट में चेंज कर दो इसको, उस फॉर्मेट में क्या करे आयोटा एच केट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, कर दे दोनों साइड मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन जाएगा ई, ये साई और ये आयोटा इंटू आयोटा माइनस माइनस एच केट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ रही है पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m साई, वही बात आ गई, यानी E बराबर पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है ये काइनेटिक एनर्जी जी, ये इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 यानी कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। लेकिन यदि यहां पर अपन पोटेंशियल अप्लाई कर दे, क्या अप्लाई कर दे पोटेंशियल, तब क्या होगा, अब लिखेंगे बलों का अंतर्वेशन। यदि अभी तक अपन ने पोटेंशियल की बात नहीं की, अब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, बलों का अंतर्वेशन, इंक्लूजन ऑफ फोर्सेज, इंक्लूजन ऑफ फोर्सेज। देखो माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण, द्रव्यमान का कण इस प्रकार के बल क्षेत्र में गतिशील है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जा सकती है, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित की जा सकती है। सपोज ए मैटर पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन ए फोर्स फील्ड, इज ए फोर्स फील्ड, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज क्या होता है, f इज इक्वल होता है माइनस डेल v, और v क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, ये पढ़ा हुआ है ना आपका, पढ़ा हुआ है f इज इक्वल माइनस डेल v, पढ़ा हुआ है इतना। अब देखो अतः इस स्थिति में कण की कुल ऊर्जा, सो इन दिस सिचुएशन टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, कण की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जानते हो E बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये मैंने लिख दिया वी आर, और यहाँ पर x कंपोनेंट है तो यहाँ पर x कर लेना, x x के अनुदिश अलोंग x एक्सिस यही होती है ना, ठीक है। तरंग फलन साई आरोपित करने पर ऑन अप्लाइंग वेव फंक्शन साई,
आरोपित करने पर। अब समझ में आ जाएगा पूरी इक्वेशन, ई साई इज इक्वल पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी एक्स और ये साई, इसको एक्स टी भी लिख सकते हैं, ये लो एक्स टी, टाइम टी पे पोजिशन एक्स पे, टाइम टी पर पोजिशन एक्स पर, कोई दिक्कत नहीं आ तक। पहले के लिए इतना ही था, अब क्या कर दिया आपने, पोटेंशियल और अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सिंस ई इजिकल क्या होता है, माइनस आयोटा एच के डेल बाई डेल टी, पहले आ गया ना ये, सॉरी आयोटा एच के डेल बाई डेल टी, और पी एक्स क्या होता है, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस एच के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया पहले, आयोटा एच के डेल बाई डेल टी आ गया, पी एक्स की वैल्यू माइनस एच के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स, जो मैंने अभी बताया था वैल्यू आ गई, अप्लाई कर दो यहाँ पर, आयोटा एच के एट डेल ओवर डेल टी साई एक्स टी इज इक्वल ये माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम, ये नीचे वाला, और डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और ये साई एक्स टी, ये है भाई श्रोडिंगर समीकरण। पहले वाली भी श्रोडिंगर ही थी, वहां पर पोटेंशियल जीरो था। तो लिख देना, यह है काल आश्रित श्रोडिंगर, काल आश्रित श्रोडिंगर, काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण समीकरण कहलाती है। थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो गया इसमें, तो आप लोग लिख के प्रैक्टिस करना, फिर सोल्व हो गई है। दिस इज नोन एज वन डायमेंशनल टाइम, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण, त्रिविमीय काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, थ्री डी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। थ्री डी में क्या होगा, थ्री डी में हो जाएगा आपके पास में आयोटा एच के एट डेल ओवर डेल टी साई आर टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साई आर टी, क्योंकि आर एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होगा, इज इक्वल माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम है, यहाँ पर पहले क्या था डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर था ना, अब ये वाई में भी आएगा, किस में आएगा वाई में, अब ये जेड में भी तो आएगा ना, ठीक है ना, प्लस वी पहले एक्स था अब ये आर में भी आएगा, और ये बाहर साई आर टी हो जाएगा, साई आर टी, ठीक है। अब आयोटा एच के एट डेल बाई डेल टी ये साई आर टी, साई आर टी इज इक्वल माइनस एच के स्क्वायर बाई टू एम, इसको क्या लिखते हैं अपन, फर्स्ट ईयर में भी लिखा था, सेकंड ईयर में लाप्लासियन, क्या लिखते हैं लाप्लासियन, ये क्या होता है डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर प्लस वी आर और ये साई आर टी, ये हो गया बल, लिखो इसको, अब तो इजी है, अब इजी है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, इसका मोमेंटम लिखा, उसके बाद में इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखी, ओमेगा लिखी, उसके बाद में आपने वेव इक्वेशन लिख दी, उस वेव इक्वेशन में मोमेंटम और ओमेगा की वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, फर्स्ट ईयर में जो फंक्शन पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में जो वेव इक्वेशन थी उसका यूज किया, उस वेव इक्वेशन का यूज करके आपने क्या किया, उसको गलत सिद्ध कर दिया, गलत सिद्ध करके आपने नया कंसिडरेशन मान लिया, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल जो भी था वो मान के उसको आपने सही सिद्ध कर दिया, और लास्ट में आ भी गया था कि ई बराबर कुल ऊर्जा, ये भी आपने लास्ट में प्रूफ कर दिया था, ठीक है ना। तो ये करना है भाई,
अब नेक्स्ट नेक्स्ट है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये तो इजी है भाई, हम जानते हैं कि समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण वी नो दैट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, आयोटा एच के एट डेल ओवर डेल टी साई आर टी इज इक्वल, फिर क्या था, माइनस एच के एट स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस वी आर और ये साई आर टी, ये हो गया। अब इक्वेशन वन दे दूं उसको। अब अपन यूज लेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, माना चर पृथक्करण विधि से। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होता है, दोनों को r का फंक्शन अलग t का फंक्शन अलग, जो साई आर टी है उसमें अपन क्या करेंगे, ये लो r का फंक्शन अलग कर लिया और ये फाई का फंक्शन अलग कर लिया, r का फंक्शन अलग कर दो फाई का फंक्शन अलग कर दो, यही है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेकेंडरी में आपने खूब पढ़ा है ये इक्वेशन टू, इस टू का यूज वन में कर दें तो क्या हो जाएगा, ये यूज इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, लिखो भाई यहां तक लिखो, करो इसको। चलो करते हैं, आयोटा एच के एट डेल ओवर डेल टी ये क्या हो जाएगा, साई आर फाई टी, यही होगा इज इक्वल माइनस एच केट स्क्वायर बाई टू एम ये डेल स्क्वायर प्लस वी आर और ये साई आर फाई टी, साई आर फाई टी। अब देखो यहां पर डिफरेंशियल है कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन तो कांस्टेंट है ना, आंशिक अवकलन में स्वयं का जो फलन होगा उसी को तो होगा, बाकी जो दूसरा बच गया वो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर टी के रिस्पेक्ट में पोजीशन फंक्शन कांस्टेंट, इसका मतलब साई आर को बाहर ले लो और ये क्या बच रहा, आयोटा एच के एट डेल फाई टी ओवर डेल टी, ठीक है। अब इज इक्वल इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एच के टी स्क्वायर ओवर टू एम डेल स्क्वायर साई आर और फाई टी, ये लो भाई, प्लस इस वी आर के साथ में वी आर साई आर और फाई टी, ये कर दिया। अब साई आर
आयोटा एच कैट डेल ओवर डेल टी और ये फाइव टी इज इक्वल, अब देखो यहाँ पर ये डेल क्या होता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है यानी आर का फंक्शन होता है, तो यहाँ पर पार्शियल होता है इसमें डिफरेंशियल, तो इसका मतलब इसी का होगा। पोजिशन वाले के रिस्पेक्ट में टाइम वाला बाहर आएगा, तो ये टाइम का फंक्शन बाहर आ गया एच एट स्क्वायर बाई टू एम और ये डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर और फाई टी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साई आर फाई टी से कर देंगे डिवाइड का भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग बाई साई आर फाई टी, क्या हो जाएगा साई आर से साई आर कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा फाई टी, तो आयोटा एच केट ये नीचे बच रहा है, फाई टी बच रहा है और ये डेल ओवर डेल टी और ये फाई टी बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। इज इक्वल यहाँ पर फाई टी कैंसिल तो नीचे बचेगा वाई साई आर, तो माइनस वन ओवर साई आर एच केट स्क्वायर बाई टू एम, ये डेल स्क्वायर ये साई आर अपनी जगह पर है, ये पूरा ही जुगाड़ कैंसिल, क्या बन रहा है ये वी आर, क्या बन गया ये वी आर। ये इक्वेशन जिसमें वन सेकेंड थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर। अब आपके पास में इक्वेशन आ गई कि E इजिकल क्या होता है, आयोटा एच के डेल बाई डेल टी होता है क्या, तो यहाँ पर E में फाई टी से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा आयोटा एच के एट डेल बाई डेल टी फाई टी, ये ऑपरेटर होता है ना, तो यहाँ पर E इजिकल इस फाई टी को मैं नीचे लेके जाऊँ, तो आयोटा एच के एट फाई टी इजिकल डेल ओवर डेल टी और ये फाई टी, ये जो क्वांटिटी है ये सेम टू सेम है, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ ई लिख दूँ, लिखो यहाँ तक अतः समीकरण तीन से ई इज इक्वल माइनस वन ओवर साई आर एच केट स्क्वायर बाई टू एम ये डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे साई आर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, साई आर से गुणा करने पर ऑन मल्टीप्लाइंग बाई साई आर, तो क्या हो जाएगा ये ई साई आर इज इक्वल ये साई आर मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल माइनस एच केट स्क्वायर ओवर टू एम ये डेल स्क्वायर ये साई आर प्लस वी आर और ये साई आर, साई आर को वापस ले लो बाहर, तो ई साई आर इज इक्वल माइनस एच केट स्क्वायर बाई टू एम ये डेल स्क्वायर प्लस वी आर और ये साई आर। कहीं पर टाइम टी दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर कहीं पर टाइम टी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यह है समय अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, लिखो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एक थोड़ा सा टॉपिक और कर लेते हैं, श्रोडिंगर समीकरण का स्थाई अवस्था हल, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन।
देखो लेट साई आर टी को अपन ने क्या मान लिया था, साई आर फाई टी मान लिया था इक्वेशन वन, सिंस ई इज इक्वल क्या था आयोटा एच कैट डेल ओवर डेल टी, डेल ओवर डेल टी, तो ई फाई टी, फाई टी इज इक्वल आयोटा एच कैट डेल ओवर डेल टी फाई टी, कोई दिक्कत नहीं आता, ये पहले भी अपन ने कर लिया। अब देखो आगे ये लिख लेना, सिंस एनर्जी ऑपरेटर ऊर्जा संकारक ऊर्जा संकारक एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है ना। अब देखो ई इस आयोटा एचकेट को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, अब यहां पर क्या बता रहा है, इस फाई टी को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, डेल फाई टी ओवर डेल टी, ठीक है ना। अब ये एक ही वेरिएबल है टाइम का, इसमें चाहे कोई सा ही करो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं ई अपॉन आयोटा एचकेट वन ओवर फाई टी डी फाई टी अपॉन डी टी, एक में चाहे पार्सल कर लो चाहे टोटल कर लो एक ही बात है। तो ई अपॉन आयोटा एच कैट, या ऐसे करो इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आयोटा इंटू आयोटा माइनस, तो माइनस आयोटा ई अपॉन एच कैट, और इस डी टी को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, अब यहाँ पर डी फाई टी बाई फाई टी, इसका कर दो इंटीग्रेशन, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, क्या आएगा माइनस आयोटा ई अपॉन एच कैट, तो कॉन्स्टेंट है ये, यहां पर डी टी का इंटीग्रेशन हो गया, और यहां पर ये इंटीग्रेशन डी फाई टी बाई फाई टी, ये प्रकार से वन अपॉन एक्स हो गया ना, तो वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां पर कर देता हूं मैं इसको, तो माइनस आयोटा ई अपॉन एच केट डी टी का हो जाएगा टी इज इक्वल ये लॉग ऑफ फाई टी प्लस कोई कांस्टेंट, प्लस कोई कांस्टेंट सी, ठीक है ना, या कांस्टेंट लॉग सी के फॉर्मेट में आएगा लॉग सी। तो अब करो इसका सॉल्यूशन, फाई टी की वैल्यू क्या रही वो देख लो, तो लॉग क्या आएगा भाई, हर ये कॉन्स्टेंट उस साइड तो माइनस में आएगा भाई, ये लॉग सी माइनस करना है इसे, वैसे प्लस में भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये लॉग फाई टी बाई सी, लॉग ए माइनस लॉग बी एक्सपोनेंशियल, प्लस में भी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट ऊपर नीचे कहीं पर भी मल्टीप्लाई हो सकता है वो, ये क्या है माइनस आयोटा ई टी बाई एच केट, यानी मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई इस साइड है ना, तो वो लॉग का कॉन्स्टेंट इस साइड आएगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं इस साइड आएगा वो लॉग का कॉन्स्टेंट, फिर वो इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब लॉग उठाएंगे यहाँ पर पावर एक्सपोनेंशियल में, तो फाई टी ओवर सी इज इक्वल एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाई एच केट, तो फाई टी इज इक्वल सी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी बाई एच केट, ये फाई टी की वैल्यू आ गई, ये कहाँ पर रख दें समीकरण एक में रख दें, यह मान समीकरण एक में रखने पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, साई आर टी इज इक्वल साई आर पहले से है, फाई टी की वैल्यू ये रख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच केट, एक यहाँ पर सी भी है, सी है ना, तो जैसे मैंने इस फाई टी को सोल्व किया है, क्या किया है इस फाई टी को सोल्व किया है, वैसे साई को भी सोल्व करेंगे, तो इस कांस्टेंट को इसी में इंक्लूड मान लो, मेरी बात में ये बोल रहा हूँ समझाता हूँ अभी, देखो
ये तो लिख लेना, मैं इसको समझा भी दूंगा अभी। यह समीकरण श्रोडिंगर समीकरण का स्थाई अवस्था हल कहलाता है। दिस इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मैंने सी क्यों उठाया भाई, मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्या है ये है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये मान लिया ठीक है ना। यदि मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो एफ एक्स का फंक्शन रहेगा ना, किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो ये किसका फंक्शन रहेगा, एफ एक्स का फंक्शन रहेगा। इस कारण लिख रहा हूँ मैं भाई उस एक्स उस कॉन्स्टेंट को इस फंक्शन में ही इंक्लूड कर दिया तो ये ओवर है भाई। अब नेक्स्ट यहाँ पर वेव फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।